बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदोस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल 2024, तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ एक मिनट में, वो भी वीडियो के द्वारा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के लिए एक बार फिर से ओपिनियन पोल सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार को लेकर के CNX सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के दिल में क्या है और इस बार बिहार में कौन जीतेगा, क्या नीतीश कुमार के हटने और फिर राजद के पतन के बाद बिहार में कुछ बदलेगा, इस बात का खुलासा एक ओपिनियन पोल में होने जा रहा है। CNX ने एक सर्वे कराया है जिसमें बताया गया है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन जीतेगा। जब इंडिया टीवी CNX सर्वे के मुताबिक बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जब बीजेपी 17, यू 12, LJP 3, RJD 4, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा 1, कांग्रेस 2 और CPI ML सिर्फ एक सीट लेती हुई दिख रही है। आपको बता दूं कि बिहार की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जाती है, जैसे कि बेगूसराय, समस्तीपुर, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई, सारण और पाटलिपुत्र। इस सर्वे में बेगूसराय से बीजेपी जीत रही है, समस्तीपुर से लोजपा रामविलास जीत रही है, किशनगंज से कांग्रेस जीत रही है, कटिहार से कांग्रेस जीत रही है, मुजफ्फरपुर से बीजेपी जीत रही है, हाजीपुर से LJP रामविलास रही है, खगड़िया से लोजपा जीत रही है, जमुई से राजद जीत रही है, सारण से बीजेपी जीत रही है, पाटलिपुत्र से भी बीजेपी ही जीत रही है। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव इन दिनों RJD के प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। सरकार गिरने से लेकर के अब तक उनके भाषणों के अंदाज की तारीफ हो रही है, खूब तारीफ हो रही है। अब एक चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐसा गाना गाया कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खुद तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नेता की चुनावी रैली नहीं बल्कि किसी पॉप सिंगर का लाइव कंसर्ट चल रहा हो। एक तरफ से तेजस्वी यादव तुम तो कहते हैं और दूसरी तरफ से जनता धोखेबाज हो कहती है, गाती है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन होने पर विपक्षी दलों को भी न्योता दिया गया था। जब मुंबई में हुई इस रैली में तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ नपातुला भाषण दिया था बल्कि वहीं पर पहली बार एक गाना गा करके केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। जब तेजस्वी यादव ने गोविंदा की फिल्म के गाने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, ये गाना गा करके खूब वाहवाही लूटी थी और उनका ये वीडियो भी खूब ज्यादा वायरल हुआ था। अब वही गाना तेजस्वी यादव अपने भाषणों में अक्सर अपने भाषणों में गाते हैं और उनके साथ साथ जो सभा में आए लोग भी गाते हैं। दोस्तों बिहार में बड़े नेताओं में अभी तक सबसे ज्यादा जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जब बिहार में चुनाव के कुछ दिन पहले ही उनका संबोधन शुरू हुआ और फिर वह क्रम अनवरत रहे। प्रधानमंत्री की बिहार में अब तक 7 जनसभाएं हो चुकी है, जहां अगली जनसभा 26 अप्रैल को दरभंगा एवं अररिया में होगी। इसी दिन दूसरे चरण के तहत किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर एवं बांका संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। किशनगंज छोड़कर के बाकी 4 लोकसभा क्षेत्र पर जदयू का कब्जा है। ऐसे में अररिया में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा से सीमांचल की 3 सीट किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार में NDA के पक्ष में माहौल बनेगा। साथ ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गिरते मतदान प्रतिशत थामने के लिए मतदाताओं से जलपान से पहले मतदान करने की अपील करके दूसरे चरण वाले 94 लाख मतदाताओं को साधने की पहल करेंगे। इसके साथ ही सीमांचल में बढ़ते सामाजिक असंतुलन, घुसपैठ एवं अन्य स्थानीय मुद्दों की ओर भी जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें सबसे अहम मुद्दा घुसपैठ एवं लोगों के प्लान को लेकर को रोकना होगा। मतदाताओं को साधने के लिए बहुत संभव है कि अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री राजद नेताओं को जंगलराज का सबसे बड़ा चेहरा, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम और बर्बादी का सबसे बड़ा गुनाहगार भी ठहराएंगे। लालटेन राज का डर दिखाते हुए बिहार में युवा मतदाता कैसे मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पाते, वे भी याद दिलाकर के वोट बैंक को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कल बेगूसराय, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और मधुबनी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने लोगों से गरीबों के कल्याण वाली सरकार बनाने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हिटलर की तरह झूठ बोल करके सत्ता तक पहुंचे लोगों को हटाने का वक्त आ गया है। 5 साल बाद नेताओं के कार्यों की समीक्षा करने का समय आ गया है, जहां अब झूठ बोल करके सत्ता में आए मोदी जी को हटाना है। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश हम लोगों की है। जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर झूठ
झूठ बोल करके सत्ता तक पहुंचा था, उसी तरह से लोगों को प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने, विदेशों से काला धन लेकर के सभी के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का सपना दिखाया था। झूठे वादे करके ही मोदी जी सत्ता में आए हैं, जब लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है। जब मुकेश सहनी ने लोगों से पूछा भी है कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, जसन ऑफ मल्ला सहनी ने इस चुनाव को आजादी की लड़ाई के समान बताते हुए कहा कि अब ये अमीरों की सरकार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी विचारधारा की सरकार बनने से गरीबों का कल्याण होगा। जब मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 विधायक जीते, हम समर्थन नहीं देते तो फिर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते, लेकिन हमारे विधायकों को खरीद करके हमें ही सरकार से बाहर कर दिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट को लौटा करके मशहूर एक्टर सिंगर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में पवन सिंह का इस सीट से चुनाव मैदान में आना एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि जातिगत समीकरण के हिसाब से पवन सिंह भले ही फिट नहीं बैठते हो, लेकिन उनके बावजूद भी वे काफी खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल कभी खुद को बीजेपी का सिपाही बताने वाले भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे हैं। भाजपा ने पहले उन्हें एक आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन निजी कारणों की वजह से उन्होंने टिकट लौटा दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाजपा ने पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया था, जहां इसकी वजह उनका बंगाल को लेकर के गाया जाने वाला गाना बताया जा रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया और पूर्णिया की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर के तमाम अटकलों और फिर विपक्षी नेताओं के तंज पर जदयू नेता ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि एनडीए के सीनियर नेता बिहार में अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। ललन सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तय कर लिया है कि सभी नेता अलग अलग प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में शुरू की सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, जब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको मेरे कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है, जहाँ सभी नेता अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई, नवादा, गया और फिर पूर्णिया में चुनावी रैली हुई है। जहाँ इन 4 रैलियों को उस सीट पर लड़ रहे कैंडिडेट की पार्टी के हिसाब से देखें तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में चिराग पासवान की लोजपा के अरुण भारती, नवादा में भाजपा के विवेक ठाकुर, गया में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के जीतन राम मांझी और पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर गेहूं दौनी के विवाद में चचेरे भाई ने डीजे ट्रॉली से कुचल करके युवक का कत्ल कर दिया। हत्या की खबर पर पहुंची अहियारपुर थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना अहियारपुर थाना इलाके के भिकनपुरा गाँव की है। यहाँ सुबह सुबह पड़ोसी एवं रिश्ते में चचेरे भाई लगने वाले युवक ने शशि कृष्ण नामक व्यक्ति का डीजे ट्रॉली लेकर के ट्रैक्टर से कुचल करके कत्ल कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच बहुत वक्त से जमीन विवाद चल रहा था। बृहस्पतिवार की सुबह लगभग 7 बजे रोड के किनारे बैठ करके शशि कृष्ण ब्रश कर रहा था, जब तभी उनके रिश्ते में चचेरे भाई लगने वाले युवक सोनू कुमार ने ट्रॉली लगे ट्रैक्टर से उसे कुचल दिया तथा लगभग 10 बार आगे पीछे करके उसे कुचला। फिर शोर होने पर लोग जुटे। वहीं पर हत्या की इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब घायल स्थिति में युवक को चिकित्सालय में ले जाने लगा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, बिहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यह कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब बिहार में सड़क हादसा ना हो। बिहार में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की वजह से ऐसे में ही लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं। अभी हाल ही में पटना में हुई घटना देखी, जहां यात्रियों से भरी एक टेम्पो ने मेट्रो के काम में लगे क्रेन में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और फिर बच्चे समेत कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टेम्पो का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। उसके पास आगे की सीट में बैठा एक पैसेंजर भी इस हादसे में बच गया। उसने बताया है टेम्पो का ड्राइवर काफी तेजी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जब मैंने उसे मना भी किया कि इतनी तेज टेम्पो मत चलाओ, लेकिन टेम्पो चालक ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण पटना में बड़ी घटना हो गई। इसके बावजूद भी वाहन चालक तेज गति में गाड़ी चला रहे हैं और हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार की बेतिया का है, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार की हालात चिंताजनक बनी हुई है। यह घटना मंझलिया थाना क्षेत्र की जोकिया पास की है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की शुरुआत आज से होने वाली है। जहां पहले चरण का मतदान आज यानी कि 19 अप्रैल को होगा, जबकि 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 1.5 माह तक देश में चुनाव के साथ ही गर्मियों की छुट्टी भी पड़ने वाली है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने लाखों लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए योजना तैयार की है। रेलवे से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 1.5 माह में लगभग 185 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 2600 फेरे लगाए जाएंगे। जहां चुनावी राज्यों में मतदान की तारीखों को ध्यान में
देखते हुए विशेष ट्रेनें भी शुरू कर दी जाएगी। यह रेलवे को उम्मीद है कि इन ट्रेनों में 50 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। या इसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। दरअसल हर साल गर्मियों में ट्रेन में यात्रियों का सीट मिलने से दिक्कत आती है। खास तौर पर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बार गर्मी की छुट्टी के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वोटिंग के लिए घर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी लाखों में रहने का अनुमान है। इसे ही ध्यान में रखते हुए इस बार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बीते साल की तुलना में ज्यादा रखने की तैयारी रेलवे कर रहा है। जब पिछले साल रेलवे की सफर स्पेशल ट्रेनों ने 6000 से ज्यादा फेरे लगाए थे, जबकि साल 2022 में स्पेशल ट्रेनों ने 4600 फेरे लगाए थे। इस साल अभी तक 185 रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 2600 फेरे की घोषणा हो चुकी है। जब बीते साल बिहार के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनों की मांग थी, अभी तक बिहार के लिए 2 दर्जन ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस बार रेलवे गर्मियों की छुट्टी और फिर मतदान की तारीख को ध्यान में रखते हुए उन प्रदेशों की तरफ स्पेशल ट्रेन चलाएगा जहां चुनाव होंगे। यह इसके लिए सभी रेलवे जोन से ट्रेनों की डिमांड मांगी गई है। रेलवे इनका विश्लेषण करने के बाद ही स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करेगा। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में अभी भी राजनीति में उलटफेर देखने को मिल रही है। जी हां, आरजेडी की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल जेडीयू को छोड़ करके वापस आरजेडी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों पहले वे जेडीयू में गई थी। आपको बता दें कि सीमा जायसवाल ने अब पार्टी बदलने का ये ऐलान आरजेडी के एक कार्यक्रम में किया है। जहां वहीं कुछ ही घंटों पहले महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हुई थी। सीमा जायसवाल जेडीयू के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उनके कई कार्यकर्ता भी मिलते। इसी कार्यक्रम में सीमा जायसवाल को माला पहना करके जेडीयू में स्वागत किया गया था, जहां लेकिन करीब 12 घंटों बाद ही सीमा जायसवाल ने यह फैसला बदल दिया। आरजेडी की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल वापस आरजेडी में शामिल हो चुकी है। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने मंच से ऐलान करते हुए कहा था कि सीमा जायसवाल आरजेडी को छोड़कर के जेडीयू में शामिल हो रही है। दोस्तों, भारत में ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों के बीच काफी समय से कौतूहल का विषय बना हुआ है। इन चीजों से जुड़ी हुई कहानियां लोगों को हैरान कर देती है। या किसी को इन कहानियों की असलियत नहीं पता, लेकिन चूंकि ये बातें सदियों से चली आ रही है, इस कारण लोग इन पर यकीन कर लेते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में मौजूद एक तालाब भी इसी तरह की कहानियों के कारण प्रचलित है। इस तालाब को लोग शापित तालाब मानते हैं। इस कारण कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पीता। इतना ही नहीं, इस तालाब में सैकड़ों की संख्या में मछलियां रहती है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इन मछलियों को नहीं खाता। कहा जाता है कि ये मछलियां जिस किसी ने भी खाने की कोशिश की है, उसकी मौत हो गई। यह इस कारण मछलियों से तालाब भरे इस तालाब से कोई भी मछली पकड़ करके नहीं ले जाता। तालाब के पास रहने वाले बाबा ने बताया है कि ये तालाब श्रापित है, जो भी इसकी मछलियां खाएगा उसकी मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई चुराकर भी इन मछलियों को ले जाता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बाबा ने आगे बताया है कि जब भी इस तालाब की कोई भी मछली मारती है तो फिर उसे समाधि दी जाती है। साथ ही ब्राह्मणों को बुला करके खिलाया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। जैसे ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो फिर ये वायरल हो गया। लोगों ने इस पर काफी हैरानी जताई। कई लोगों ने कमेंट किया है कि क्या ये वाक्य सच है। ज्यादातर लोगों ने इसे अफवाह बताते हुए लिखा कि कोई मछली ना चुराए, इस कारण ऐसी ही बातें फैला दी गई। वहीं कई ने इस पर अपने दोस्तों को टेक करके तालाब से मछली खा करके असलियत पता करने की भी बात कही गई है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बुधवार को गया, जमुई और बांका में चुनावी दौरे के दौरान भाजपा पर जमकर के निशाना साधा। साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों, गरीबों के लिए किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भाजपा द्वारा चंदा दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का अभियान है, हमें चंदा दीजिए, हम आपको धंधा देंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादे भूल गए। उन्होंने 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन आज कितने गरीबों के पास अपना घर है। जब फसलों की MSP बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन क्या हुआ। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वादा खिलाफी करने वाली सरकार को बदल देना चाहिए। ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है। उन्होंने कहा कि आज देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ेगा तो फिर इसका बोझ भी हम लोगों पर ही पड़ेगा। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं और इस योजना में 22 साल की उम्र में जवानों को रिटायर कर रहे हैं। जी हां, मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की है।
दोस्तों बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत डायल 112 के वाहनों की स्टीयरिंग संभालने के लिए 1000 से अधिक चालकों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ अगर आप भी ड्राइवर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। ये पद पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होती है। यह दूसरे चरण में कुल 3171 पदों पर नियुक्ति होनी है। जब बिहार के सभी जिलों में जरूरत के अनुसार रिटायर्ड सैनिक संचालकों के मानदेय पर नियुक्ति होगी। जब इसको लेकर के गृह विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। जब कानून का राज और विधि व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर समय पर राहत और सुरक्षा दिलाने के मकसद से राज्य की यानी कि बिहार के सभी जिलों में डायल 112 की सेवा शुरू कर दी गई है। यह पूर्व सैनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत डायल 112 का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें मिली सफलता को देखते हुए इसका दूसरा चरण विस्तार किया जा रहा है। अब यह सुविधा शहर से निकल करके प्रखंडों तक में उपलब्ध कराई जाएगी। जब काफी संख्या में कुशल वाहन चालकों की जरूरत है तो ऐसे में अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को लिखा है कि संबंधित एसपी को इस जिले के सैनिक बोर्ड कार्यालय के पदाधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया है। एक जिला सैनिक बोर्ड के तहत कई जिले आते हैं, जैसे कि भागलपुर जिले के तहत भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले आते हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव की सभा में मंच के सामने भीड़ में से किसी व्यक्ति ने चिराग पासवान की मां को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। इस मामले में चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जमुई में प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मेरे सामने अगर कोई भी राबड़ी देवी और फिर मीसा भारती के बारे में ऐसा बोलता है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करता। चिराग पासवान ने कहा कि किसी की मां बहन को सरेआम गाली देना महिलाओं का अपमान है। जो लोग महिलाओं का ही सम्मान नहीं करते हैं वे अपने क्षेत्र की क्या रक्षा कर पाएंगे। चिराग पासवान ने भावुक होते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी माँ अपने परिवार के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है वह अपने क्षेत्रवासियों की क्या रक्षा कर पाएगा। साल 1990 की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये जंगल राज की याद दिलाता है। जमुई जिले में एक चुनावी सभा को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे तब आरजेडी के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश के सामने ही भीड़ से किसी ने विजय प्रकाश को पुकार करके चिराग पासवान की माँ को लेकर के अपशब्द कह दिया। हालांकि घटनाक्रम के बाद पूर्व मंत्री विजय प्रकाश हाथ जोड़ करके कार्यकर्ता को समझाते दिखे। प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान की आंखों से आंसू छलक गए। कहा कि हमने गौतम बुद्ध महावीर की धरती पर अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। आप लोगों का प्यार स्नेह और फिर भरपूर समर्थन मिला। आशा करता हूं कि वही प्यार स्नेह हमारे जीजा और फिर जमुई के लोकसभा प्रत्याशी अरुण भारती को मिलेगा। दोस्तों पहले के समय में सब्जियों को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता था। जब सब्जी फल इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं या जिनसे हेल्थ को काफी फायदा होता है। जब पहले सब्जियों को उगाने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता था इन नेचुरल फर्टिलाइजर्स के जरिए सब्जियां उगाई जाती थी। लेकिन अब किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और खेती करने में लग जाते हैं। जब किसान अपने खेतों में कई तरह के खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं जब किसान अपनी सब्जियां दुकानदारों को बेच देते हैं तो भी उन्हें ज्यादा क्रेज दिखाने के लिए इस पे कलर कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है। खास करके हरी सब्जियों के साथ ऐसा काफी किया जाता है। इसी का एक उदाहरण सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। जब बाजार से हरी भिंडी लाने के बाद जब महिला ने उसे पानी में धोया तो हैरान रह गई। जब पानी का रंग केमिकल की वजह से हरा हो गया था, महिला ने बाजार से लाई भिंडी को कोगेंड वाटर से धोया था। इस पानी का इस्तेमाल गंदगी को हटाने के लिए किया जाता है। ये पानी बैक्टीरिया तक को मार देता है और लोगों को साफ चीजें देता है। जब इस पानी में भिंडी को धोया गया तो फिर बाजार में यूज किया गया रंग भिंडी से उतरने लगा। इस रंग को अगर इंसान खा लेता है तो फिर ये हेल्थ पर काफी बुरा प्रभाव डालता है। जब महिला ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर जमकर के आक्रोश जताया। लोगों ने सरकार और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इन सब्जी वालों पर एक्शन लेने की बात कही। चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। आपको बता दूं कि इस केमिकल की माद से हरी सब्जियों का रंग गहरा कर दिया जाता है, इससे ये ज्यादा फ्रेश नजर आती है। इसके बाद फ्रेशनेस के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करके उन्हें जहर डिलीवर कर दिया जाता है। दोस्तों कोरोना महामारी का डंस झेलते हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, विशेषज्ञ भी इस बीमारी को लेकर के चेतावनी जाहिर कर चुके हैं और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का बयान भी सामने आ गया है। WHO ने कहा कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू के मामले बेहद चिंताजनक है, यानी कि बर्ड फ्लू अब मुर्गियों को छोड़कर के मनुष्य में भी होने लगे हैं। WHO ने गुरुवार को बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन के मनुष्य सहित नई प्रजातियों में बढ़ते प्रसार को लेकर के चिंता जाहिर की है, जिनकी मृत्यु दर असाधारण रूप से
ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फरार ने जेनेवा में पत्रकारों को बताया है कि मेरी नजर में यह बर्ड फ्लू अत्यंत चिंता का विषय है। जो वर्तमान बर्ड फ्लू का प्रकोप 2020 में शुरू हुआ था और इससे करोड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है, साथ ही जंगली पक्षी और फिर समुद्री स्तनधारी भी इससे अछूते नहीं रहे। पिछले माह गाय और बकरियां भी इस सूची में शामिल हुई। जेरेमी फरार ने H5N1 स्ट्रेन पर चिंता जताते हुए कहा कि ये एक वैश्विक जूनोटिक पशु महामारी बन गई है। जूनोटिक का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। उन्होंने कहा कि ये बेशक सबसे बड़ी चिंता है कि बत्तखों और फिर मुर्गियों और फिर स्तनधारियों को संक्रमित करने के बाद ये वायरस इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता विकसित करता है, साथ ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता विकसित कर सकता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज मतदान होगा। इस मतदान से पहले ही नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है, जो बीजेपी के नेता है, मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर के हर कोई हैरान है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने अपने मतदाताओं से दो टूक बात कही। नितिन गडकरी ने वोट को लेकर के कहा कि अगर दलितों मुस्लिमों के साथ मैंने अन्याय किया हो तो फिर ये लोग मुझे वोट ना दें, अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो फिर मेरे लिए कृपया वोट करें। नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे जो भी पहचान मिली है वह नागपुर के लोगों की है। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अगर मैंने कभी काम में भेदभाव किया है या फिर दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो फिर कृपया करके वोट मेरे लिए करें। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं, वो एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपना एक और पोस्ट एक्स पर डाला है आज, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम को बताने का प्रयास किया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अब मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है, मोदी की गारंटी मंच पर रखे उस माइक से शुरू होती है और माइक तक ही खत्म हो जाती है। लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखते हैं कि मोदी के भाषण में उनकी गारंटी की कोई गारंटी है ही नहीं होती है। देश की 140 करोड़ जनता गवाह है कि देश में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में देश के सामने 10 करोड़ झूठ बोले हैं, झूठ बोला है, या पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ जुमले दिए हैं, पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ छल परोसा गया है, पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ फ्रेब परोसा गया है, पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ धोखा परोसा गया है, पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ प्रपंच परोसा गया, पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ नाटक परोसा गया मोदी ने, या पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ ड्रामा परोसा गया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी सभा कर रहे हैं और इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के एक नेता ने खुले मंच से कह दिया कि हमें रोहिणी आचार्य को हराना है। ये बात आरजेडी नेता ने आरजेडी के मंच से ही की है। जिस समय आरजेडी नेता ने मंच से ये बात कही है उस वक्त लालू प्रसाद यादव खुद मंच पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि घटना बिहार के सारण की है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। रोहिणी आचार्य के प्रचार के लिए ही बुधवार को यहां एक जनसभा को आयोजित किया गया था। इस सभा के लिए बकायदा लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, जो मंच पर उपस्थित थे। इसके चलते ही आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे। भाषण देते हुए अचानक सुनील कुमार सिंह की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोहिणी आचार्य को इतने भारी वोटों से हराइए। हालांकि जुबान फिसलने के कुछ ही देर बाद ही सुनील सिंह ने को इसका एहसास हुआ और तथा उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि अरे अरे अरे, मतलब उन्हें जताइए कि आने वाला इतिहास भी रोहिणी आचार्य को याद करे। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं, जब उन्होंने साल 2002 में अमेरिका बेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। सारण से चुनाव लड़ने से पहले तक रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रह रही थी। रोहिणी आचार्य मीसा भारती के बाद राजनीति में कदम रखने वाली लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने पर जब डॉक्टर ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी, तब रोहिणी आचार्य ने ही उन्हें अपनी किडनी दी थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव की एक जनसभा चल रही थी और इस जनसभा में तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। इस भाषण के बीच किसी ने चिराग पासवान की मां को लेकर के गाली दे दिया। अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, उन्हें भी किसी ने वीडियो भेजा था, उन्होंने देखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वीडियो जनता के बीच का है, जब हम अपना भाषण दे रहे थे, या जनता में कौन क्या बोलता है मंच पर नहीं सुनाई देता है। जब गाली देने पर उन्होंने कहा कि ऐसे तो
कोई भी दे सकता है, इसमें बात का बतंगर क्यों बनाना है। अगर ऐसी बात मेरे कान तक आई होती तो फिर ये कोई बर्दाश्त करता क्या। जब चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो भी जो ऐसी बात करेगा। जब पब्लिक में कौन क्या बोलता है, वह अपना वीडियो बना रहा था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि पब्लिक में कौन क्या करता है, कौन वीडियो बनाता है, कौन क्या बोलता है, हम तो भाषण दे रहे थे, थोड़ी ना हमको सुनाई दिया। जब हजारों लोग हैं, जब कोई भी अपना वीडियो बना करके भेज सकता है, ऐसे में कितने लोग हम लोगों को दिन रात गाली देते हैं। दोस्तों, एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम मोदी नहीं बल्कि मुद्दे की बात करने आए हैं। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार वासियों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ 500 रुपए गैस सिलेंडर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 17 महीने के अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 500,000 नौकरियां देने का काम किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई गरीबी बेरोजगारी से है। जब हमने बिहार में 50,000 करोड़ के निवेश को लेकर के साइन कराया, जब लेकिन चाचा ने धोखा दे दिया। वहीं पर एक अन्य सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सीएम दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घबरा करके चाचा नीतीश को हाईजेक कर लिया, नहीं तो फिर 1,000,000 लोगों को रोजगार देते। केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर सभी बहनों को रक्षाबंधन पर 1,00,000 रुपए की मदद मिलेगी, मदद देंगे। उन्होंने कहा कि INDIA की सरकार बनी तो देश से बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी। भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन हो गई है, जिससे मिलते ही लोगों के सारे अपराध धुल जाते हैं। देश का विकास, बेरोजगारी एवं महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने वालों को भाजपा जेल भेज देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया और मेरे ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज करा दिए गए। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी बीजेपी और NDA उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और उनका हौसला बढ़ाया है। जब फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सभी NDA उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र को अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा है कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से 2047 तक मोदी की गारंटी रहेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी, अरुण भारती, विवेक ठाकुर और फिर सुशील सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से सांसद पहुंचेंगे, हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार और फिर बढ़ता कदम होगा। इस बीच चारों प्रत्याशियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र का जवाब दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पत्र वोटिंग के ठीक एक दिन पहले लिखा है और जनता से वोट जरूर करने की अपील की है। दोस्तों, RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए जिस संविधान ने वंचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, उसे मिटाने और फिर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को मिटाने और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो न आरक्षण होता और न ही लोकतंत्र। हमें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता खुलेआम फिर से सत्ता में आने पर संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इससे पहले RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बात कही थी। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है। बिहार में लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 को शुरू होगी। उम्मीदवार 29 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट stet.bihar.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 6,570 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जहां ये भर्ती बिहार पंचायती राज विभाग के ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से की जा रही है। ये भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। जब बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले उम्मीदवारों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या इसमें कुल 4,270 पदों पर पुरुषों को और फिर 2,300 पदों पर महिलाओं की बहाली की जाएगी। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले RJD को झटका लगा है। RJD के भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने जदयू का दामन थाम लिया। गुरुवार को जदयू कार्यालय में हुए मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलो मंडल को जदयू की सदस्यता दिलाई। जब बुलो मंडल के जदयू में आने के बाद ये चर्चा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू कोटे से गोपाल मंडल की दिक्कत बढ़ सकती है। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दूं,
की बोलो मंडल भागलपुर में आरजेडी का बड़ा चेहरा रहे हैं। बोलो मंडल 2014 के लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बने थे। हालांकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बोलो मंडल को भागलपुर से जेडीयू के हाथों हार मिली थी। इस बार भी उम्मीद थी कि आरजेडी की तरफ से टिकट मिलेगी, लेकिन भागलपुर कोटे कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसकी वजह से अब बोलो मंडल आरजेडी से इस्तीफा देकर के जदयू में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसमें बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े 38 उम्मीदवारों के लिए 7,903 मतदान केंद्र पर 76,1,629 मतदाता वोटिंग करेंगे। इसमें 39,63,223 पुरुष, वहीं पर 36,38,151 महिला और 255 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। इस चरण में 92,602 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। लोकसभा सीट के लिए बुधवार की शाम प्रचार समाप्त हो गई है। दोस्तों, जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान की मां को गाली देने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। यहां आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को किसी ने गाली दे दिया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के एनडीए नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। एनडीए की महिला नेत्रियों ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुंच करके तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR करने की मांग की। उषा विद्यार्थी ने कहा कि चुनाव अभी शुरुआती फेज में है और इस तरह की गंदी गंदी गालियां माता और फिर बहनों को दी जा रही है। आगे चलकर कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए भाजपा और तमाम सहयोगी पार्टी आज निर्वाचन आयोग पहुंची, ताकि जो लोग भी इस तरीके का ओछी हरकत कर रहे हैं या फिर उनके समर्थक हो या फिर खुद तेजस्वी यादव, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि घटना में शामिल एक एक को चुन करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने वीडियो देखा है, जब मंच पर कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि अगर ये बात मेरे कान तक आई होती तो फिर मैं इसे खुद टॉलरेट नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसे बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाए। दोस्तों, अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है। बिहार में गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने 18 से 21 अप्रैल तक 14 जिलों जमुई, औरंगाबाद, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर और बांका में हिट वेव यानी कि लू का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पटना में ब्रेन हेमरेज के मामले सामने आ रहे हैं। पटना IGIMS में 3 दिनों में 10 लोग भर्ती हुए हैं, जब बुधवार को 2, मंगलवार को 3 और फिर सोमवार को 5 मरीज भर्ती हुए हैं। फिलहाल IGIMS में ब्रेन हेमरेज के 20 मरीजों का इलाज चल रहा है, जब डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेन हेमरेज अक्सर ठंड के दिनों में दिखाई देता है, लेकिन अब गर्मी में भी इसके केस सामने आ रहे हैं। जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट सह उप निदेशक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि गर्मी में इतने लोग ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हो रहे हैं, इससे डॉक्टर भी हतप्रभ है। डॉक्टर मंडल की माने तो AC से तुरंत बाहर आने या फिर गर्मी से तुरंत AC में जाने, BP की दवा छोड़ देने जैसे कारणों से गर्मी में ब्रेन हेमरेज के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मरीजों को ICU और फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। इनमें 40 से 55 साल वालों की संख्या अधिक है। जब गर्मी में बीपी के मरीज के अलावा अन्य को सावधानी बरतने की जरूरत है। तुरंत AC से धूप में नहीं जाएं या फिर धूप से तुरंत AC में नहीं बैठें। बीपी की दवा नहीं छोड़ें। अगर चल रही है तो फिर उसे चिकित्सकों की सलाह के बिना दवा नहीं छोड़ें। दोस्तों, देश में अधिकांश राज्यों में यानी कि देश में ज्यादातर राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लगातार गर्म हवाओं का असर बना हुआ है, लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है। 21 अप्रैल तक 14 जिलों में गर्म हवाओं की लहर की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला शामिल है। दोस्तों, बिहार में एक ओर जहां हीट वेव अपना कहर बरपा रही है, तो फिर वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 का राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। जी हां, विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्पीड और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम और बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की एक बयान पर लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के भविष्य पर खाका पेश कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चैलेंज भी किया है। सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान
कहा है कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है और लालू प्रसाद यादव अपराधियों के प्रतीक है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दिया है जहां सबको ठंडा कर दिया जाएगा। उन्होंने माफिया तत्वों खासकर के जमीन माफिया पर नकेल कसने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उन्हें चिन्हित किया जा रहा है जहां जल्द कार्रवाई शुरू होगी। जब तेजस्वी यादव से सम्राट चौधरी के इस बयान पर सवाल किया गया तो फिर भाजपा पर सवाल खड़े कर गए, भाजपा उखर गए, जहां उन्होंने कहा कि ये जब हार के डर से पैदा हुआ बेचैनी और फिर बौखलाहट है जो बयान के रूप में फूट रही है, ये लोग जल्द ही जाने वाले हैं। 2014 में ये आए थे और 2024 में इन लोगों की विदाई होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों की भाषा की मर्यादा इतनी गिरती जा रही है कि कुछ कह नहीं सकते। ये लोग चुनाव में हारने के डर से बेचैन है और बौखलाहट में कुछ कुछ बोलते जाते हैं। ये लोग जान रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं उनकी सभा में भीड़ नहीं हो रही है। इस बात का दर्द है कि उन्हें कोई सुनने नहीं आ रहा है। ये चुनाव हार रहे हैं इसलिए हम लोगों को अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवारवाद पर बहुत बोलते हैं तो फिर मोदी जी लिख करके दे दें कि किसी बाल बच्चे वाले को टिकट नहीं देंगे और ना ही ऐसी पार्टियों से गठबंधन करेंगे जिसकी पीढ़ियां राजनीति में पहले से चलती आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर अपने भाषणों में बोलते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आजकल चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं, जहां हम ऐसे पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर में कैद है। दोस्तों, बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया बना हुआ है, जहां यहां पर एनडीए इंडिया गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला है। जहां एनडीए के उम्मीदवारों के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। इंडिया अलायंस की ओर से 5 बार की विधायक बीमा भारती चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से बागी होकर के निर्दलीय पूर्व सांसद पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी रोचक हो गया, दिलचस्प हो गया। बीमा भारती का कहना है कि वह किसी को चुनौती नहीं मानती है, जनता की अदालत में है, जनता ही मालिक है, जनता से वो वोट मांगने का काम कर रही है, जनता करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बीमा भारती ने कहा कि हम किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, जनता की अदालत में फैसला होगा कौन कितना भारी है कौन नहीं, जनता तय करेगी। बीमा भारती का दावा है कि एक महिला उम्मीदवार होने के नाते उन्हें प्यार भी मिल रहा है। जब बीमा भारती ने कहा कि सीमांचल का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है, या इसके लिए एयरपोर्ट का चालू करवाना प्राथमिकता है, एयरपोर्ट चालू होने के बाद यहां का विकास का रास्ता खुल जाएगा, जहां अगर चुनाव जीतती हूं तो फिर सबसे पहली आवाज एयरपोर्ट के लिए ही उठाऊंगी। आपको तो खतरा नजर आएगा, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, चूंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा में और भी कई सारे टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि इस बार संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी सरकार में फिर से आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये कहना लालू प्रसाद यादव का है। अब इसको लेकर के विपक्ष उखर पड़े हैं। लालू और तेजस्वी पर हमला बोलते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरे में जरूर दिखेगा, क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दी है। ईडी और फिर सीबीआई की कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव परेशान है, इसीलिए उन्हें महसूस होगा। लालू प्रसाद यादव ने जो संविधान को तोड़ करके जो गलती की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। संविधान पर इन्हें खतरा लग रहा है, मगर संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित है। दोस्तों, आज का न्यूज यहीं तक, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।